हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुस कुक एंड डेकोर। मैं हूं रितु और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नॉन फ्राइड, रिच इन टेस्ट, सुपर सॉफ्ट, वेरी क्विक, वेरी इजी, माउथ वाटरिंग दही वड़ा रेसिपी। तो देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इन सुपर सॉफ्ट दही वड़ों को बनाने के लिए हमें चाहिए व्हाइट ब्रेड, मिल्क, ब्रेड को सोक करने के लिए एक बड़ा कप हम लेंगे दही, दही वड़ों को भिगोने के लिए। दही वड़ों की स्टफिंग के लिए हमें चाहिए होगा किशमिश, गोले का बुरादा, बारीक कटे बादाम, पिस्ता, काजू। दही के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हमें चाहिए होंगी 4 टेबल स्पून शुगर। दही वड़े के टेस्ट को और एनहेंस करने के लिए हम इस पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और चाट मसाला। तो शुरू करते हैं इसका प्रोसेस। सबसे पहले हम दही को एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। ये मैंने एक बड़ा कप दही लिया है। दही इसमें इतना लेना है हमें कि हमारे दही बड़े इसमें अच्छी तरह से डूब जाएं। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून शुगर। चीनी डालने से दही का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और दही में अगर हल्की सी खटास है तो वो भी कम हो जाती है। दही बड़े के लिए हमेशा फ्रेश दही का ही यूज करें। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे ब्रेड और इसके सभी किनारों को हम निकाल लेंगे। ब्रेड के किनारों को आप फेंके नहीं, इन्हें हम ब्रेड क्रम में यूज कर सकते हैं और साथ ही इन किनारों से हम स्नैक्स भी बना सकते हैं। सभी ब्रेड के किनारे हमने निकाल लिए हैं और अब हम एक प्लेट में डालेंगे दूध। प्लेट हम थोड़ा किनारा वाला लें जिससे कि दूध बाहर की तरफ ना निकले। ड्राई फ्रूट्स भी अपने पास में रख लेंगे और अब इसमें ब्रेड को डिप करेंगे। ब्रेड को पलट कर भी हम डिप कर देंगे। अब हम इसे हथेली पर रखकर इस तरह से प्रेस करेंगे और एक्स्ट्रा मिल्क को बाहर निकाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, 3-4 किशमिश, थोड़े से काजू के टुकड़े, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा बादाम और नारियल का बुरादा। अब ब्रेड के किनारों को बीच में लाते हुए हम इसको बंद कर देंगे और इसको हल्के हाथ से दबाते हुए इसको गोल करेंगे। ये देखिए तैयार है हमारा ब्रेड। को हम इस तरह से मिल्क में डिप करेंगे। जितने मिल्क की हमें जरूरत पड़ेगी हम बीच बीच में लेते रहेंगे। एक साथ ज्यादा मिल्क ना लें, थोड़ा थोड़ा करके ही लें। साथ ही ब्रेड को दूध में बहुत देर तक डिप करके ना छोड़ें। इससे ब्रेड बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और दूध में घुलने लगेगी। ये दही बड़े बहुत ही इजी भी होते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से हम इसे रोल करेंगे। अगर बॉल बनाते टाइम कभी फिलिंग बाहर आने लगे तो आप इस तरह से किसी पोर्शन से ब्रेड निकालकर वहां लगा देंगे और इसे फिर से गोल कर देंगे। और देखिए ये सेट हो गया है हमारा। अब दूध कम हो गया है तो हम इसमें और दूध निकाल लेंगे और ब्रेड को दूध में दोनों साइड से डिप कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी आप जो चाहें ले सकते हैं। आप इसमें चिरौंजी का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें मगज भी डाल सकते हैं। गोले के बुरादे की जगह आप कच्चे नारियल का भी यूज कर सकते हैं। कच्चे नारियल का टेस्ट इसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कच्चे नारियल को कस के हम इसमें फिल कर सकते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि कच्चा नारियल हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, तो मेरी तरह आप भी बुरादे का यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। वड़े हमारे तैयार हैं और इन्हें दही वड़ा बनाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे दही। दही अभी हमारा काफी थिक है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे और इन पर हम अच्छी तरह से दही को डाल देंगे। दही को हम इसलिए थोड़ा सा पतला करेंगे जिससे दही वड़ों में अंदर तक चला जाए, और दही अगर बहुत गाढ़ा होता है तो अच्छे से अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। दही डाल के हम वड़ों को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और अब इस पर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे। आप चाहें तो इन्हें इसी तरह से खा सकते हैं या खट्टी मीठी सोंठ डालकर आप इसका मजा लें।
लीजिए, तैयार हो चुके हैं हमारे ये सुपर सॉफ्ट एंड सुपर इजी माउथ वाटरिंग दही बड़ा। एक दही बड़ा मैं आपको काट कर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट लग रहा है। आप मेरी और रेसिपीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।